सत श्री अकाल सारे नूं जनहितेशी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नंदनी थोड़े लिए लेके आई हाँ जन जन की बात जनहितेशी के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, तो असी आ चुके हैं लुधियाने शहर के कुमार मंडी मार्केट के, जिते सब तो वध लोग आते हैं शॉपिंग करन। तो आओ देखते हैं कि किहो जी वैरायटियां ने, तो इस बार की डिफरेंट है हर बार की दिवाली तो, आओ थोड़ी गलबात करते हैं। चलो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली है। सर ये क्या कहाँ पे लगाई हुई है आपने? ये मनीराम बलवंतराय के सामने ऑपोजिट। सर क्यों मनाई जाती है दिवाली, कुछ कहना चाहेंगे? राम जी अपने अयोध्या लौटे थे घर करके मनाई जाती है। और सर क्यों मतलब कब से लगा रहे हैं ये आप? मैडम हो गए 7-8 साल हो गए हैं। और क्या क्या सामान है बताएंगे कुछ? दिए दिए हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, हटरी है, सब रंगोली है, कलर अपना दिए हैं सारे कलरफुल 8 कलर। ठीक है सर, ठीक है। आप जो भी है छोटे मोटे जला लेंगे पटाखे, जिसने मनाना खुशी मनानी एक तरह की। हैप्पी दिवाली। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजू सूद। सर किस टाइप की खरीदारी हो रही है इस बार दिवाली पे? एक्चुअली ऐसा है काम, क्योंकि पहले से ज्यादा ना जो त्यौहार आ रहे हैं उसमें से बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन से हमें वैसे भी बहुत प्रॉब्लम पड़ी, और घर में भी अब आपको पता है कि खर्चा कैसा करना कैसे नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ टेबल लगाने के लिए भी अभी गवर्नमेंट भी इतनी तंग कर रही है, कभी कोई आता है पुलिस वाला तंग करके हमको 100 रुपये दो या कुछ दो, ऐसे काम हो रहे हैं, और क्या करेंगे हम लोग। खरीदारी कर तो रहे हैं लेकिन इतना रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस दिवाली को वैसे भी कोरोना ने फीका कर दिया है। हाँ जी। इस बार फीकी दिवाली, तो आप इसको रंगीन बनाने के लिए क्या कोशिश करेंगे? हम तो कहते हैं रंगीन सभी की हो, हमारी भी हो, सब भी अच्छे रहें, और चाहते ये हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इसको अच्छी तरह से सबको मतलब अपना रिस्पॉन्स दे, ये ना करे कि हाँ अभी हर बंदा भूखा न मत मरे, क्योंकि हमारी भी दिवाली अच्छी लगे, उनकी घर की भी दिवाली अच्छी रहे। क्या कहना चाहेंगे इस दिवाली पर अपने लोग, हम लोगों को? हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये सोचो, जैसे आजकल महंगाई भी इतनी है, उसके अलावा हम सोच रहे हैं कि प्याज वगैरह भी आप देख लो, आजकल आलू प्याज भी कितने महंगे हो गए, तो घर में अगला पर तो खाएगा क्या और क्या कर सकता हो। फिर यही कह रहे हैं, कहना चाहता हूँ मैं आखिर के थोड़ा सा गवर्नमेंट को यह चाहिए कि वो भी आम लोगों के साथ उतना ही कॉम्प्रोमाइज के साथ चले, जैसे हम लोग कोई आता है चाहे हम उसको कोई दुखी है, हम फिर भी अब उनका यही सोचते हैं कि उनको कुछ दें या कुछ करें, 5 रुपये 10 रुपये दें, गरीब आदमी को कोई निकलता है उसको यही सोचते हैं हम। कुछ बताएंगे आपके पास क्या क्या है, कुछ क्या वैरायटी? हमारे पास कैंडल्स हैं, दीवे हैं, हट्टियाँ हैं। हाँ जी ये दिखे। हाँ जी बताइए, इसके बारे बताइए कुछ। ये देखो हम ये हटरी है। हाँ जी ये हटरी है, हमको देखो ये कॉस्ट पड़ती है 200 की, और हम ये चाहते हैं 210 की बिक जाए तो 250 की भी बिक जाए, पर कस्टमर ये ना सोचे कि हम उनको महंगी सामान बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी देख के ही लेना सोचा, ठीक है ना, हम दिवाली के दिनों में हम महंगाई भी करेंगे अपनी तरफ से तो हमारा क्या होगा। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नितिका। आपकी शॉप का क्या नाम है? मित्तल बर्तन स्टोर। बेसिकली किस चीज़ की शॉप है आपकी? क्रॉकरी बर्तन यूटेंसिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस बार दिवाली कैसी है? दिवाली मैम ठीक है, आगे से थोड़ी फीकी है पहले से। कैसा रिस्पॉन्स है इस बार बर्तनों को लेकर कस्टमर्स का? एक्चुअली ये तो हमारी रेगुलर आइटम्स हैं, ऐसे चलता है, कोरोना के टाइम पे भी था, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि पहले के लोग डिस्टेंसिंग की पूरी केयर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को देख के आ रहे हैं, बस ये चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत आगे से क्राउड कम है, बट मतलब जैसे धनतेरस है उसको फेस्टिवल को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं लोग, लेकिन ले रहे हैं जरूर, सबको चाहिए जरूर है कि सब आ रहे हैं। क्या चीज़ें हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा बिक्री में इस बार दिवाली के? हमारे ब्रास होता है,
ब्रास मेन बिक रहा है, कॉपर है, कुछ दिखाना चाहेंगे ऐसा कुछ जैसे आपके पास हो, कुछ जो बहुत अच्छा बिक रहा हो और कस्टमर्स को काफी लाइक ये है आप कॉपर जग्स हैं, ये ब्रास हो गया, ये थिंग्स हैं एंड स्टील मेन। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस बार इस दिवाली पे हमारे व्यूअर्स को? क्या मतलब जैसे पटाखे हैं इस बार दिवाली, इस बार थोड़ी सी फीकी होगी जैसे आप जानते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस बार कैसी दिवाली मनाएं, आप क्या चाहते हैं लोगों से? कुछ लोगों से बस ठीक है, गुड है, मीन्स हैप्पीली अपनी एंजॉय करें, पॉल्यूशन से जरूर मतलब ये अवॉइड करें, पटाखे वगैरह मत बजाएं, बाकी सब कुछ एंजॉय करें अपना, ठीक है। और अपना खजूर कैसी खरीदारी लोग कर रहे हैं इस बार खरीदारी आपके हिसाब से? नहीं उतना तो है नहीं मार्केट में जैसे पिछले साल था ना, पर इतना कुछ खास लग नहीं रहा। क्यों ऐसा क्यों? बस कुछ लॉकडाउन करके ही फर्क पड़ा है। कोरोना की वजह से। तो मतलब क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको, कुछ दिनों से लग रहा है कि दिवाली है इस बारी? ऐत की लगी नहीं थी दिवाली का कोई। हाँ जी। और आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब पटाखों के लिए आपके क्या विचार है? पटाखों का भी हम कुछ कह नहीं सकते मैडम, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार जैसे लाने चाहिए। मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, तो सरकार ही तय करेगी इसमें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬੇਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ COVID-19 ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾਉਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗਲਤ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਟਾਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਟਾਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੈਕਰਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਐਡੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ,
तो मतलब असी आप लोगों असी देने संथ्या वगैरह तो जे आप असी असी आप ही करी जावे तो फिर वो गलत गल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर थोड़ा, थैंक यू सो मच। जिमें कि तुम देखा कि लोगों उत्साह इस वे भी बहुत आ, करोना करके थोड़ा जि महामारी करके थोड़ा जहा मूड लोगों का ऑफ है, बट फिर भी लोगों उ क्रेज हजे भी आ, लोग बाहर निकले हुए शॉपिंग करने लिए तो खरीदारी भी कर रहे। ये मैं नंदनी कैमरामैन नवजोत विदा लैनी हूँ, तुम साढ़े जुड़े रहो तो देखते रहो जनहितेशी।